सीजन 2 का फाइनल मुकाबला कुशहा बनाम कुंडवा के बीच खेला गया, जिसमें कुशहा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहली पाली में बल्लेबाजी करते हुए कुशहा ने 16 ओवर में 151 रन बनाया। दूसरी पाली में कुंडवा की टीम ने धुआंधार पारी खेलते हुए 13 ओवर 4 बॉल में 3 विकेट गंवाकर अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए जीत अपने नाम। वहीं आज के इस मैच सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी गोलू जी को मैन ऑफ द मैच सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि राम नरेश सिंह ने दोनों टीमों को सराहना करते हुए कहा, दोनों टीमें काफी जुझारू थी, दोनों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया है, हार जीत तो लगी रहती है, दोनों टीमों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं उप विजेता टीम के कप्तान इमरान अजीजी ने कहा, हमारी टीम की जो भी छोटी छोटी खामियां रही हों जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा, भविष्य में इसे सुधार करते हुए आगे अच्छा प्रदर्शन करने का कार्य करूंगा। मौके पर विशिष्ट अतिथि धीरेन्द्र कुमार सिंह, वरीय भाजपा नेता धर्मदेव सिंह यादव, जिला परिषद सदस्य अनिल चंद्रवंशी, सफीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि जवाहर पासवान के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मैं सबका सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छे माहौल में ये टूर्नामेंट कराया गया। हम लोग यहाँ तक दोनों टीमें अपने तीन मैच जीत कर आई थी। दोनों टीमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लगातार दोनों टीमें मजबूत स्थिति में थी। इस मैच के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कुछ मौके हमारी टीम को दे रहे थे जिसमें हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर पाए, और कुछ मौके हमारी टीम को दोबारा भी मिले जब हम डिफेंडिंग कर रहे थे जिसको हम लोग बना नहीं पाए। छोटी सी खामियां थी और छोटी खामियों से निर्णय को किसी एक पक्ष में ला दिया। हम दोनों में से किसी एक को हारना ही था। मैं पूर्वा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा, तो मुझे हार स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पांडो से अनिल शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत।